सुप्रभात मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी हिंदी पाठमाला निकालिए, ठीक है। हिंदी संकल्प, हिंदी पाठमाला रिवीजन होगा। आप लोग सभी हिंदी संकल्प पाठमाला निकालिए। चैप्टर 2 अध्याय 2, अध्याय 2 आप सभी निकालिए। चुलबुली बोल, ये रिवीजन होगा। आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मैं, फिर उसी को ही रिपीट कर रही हूँ। चुलबुली बूंद के बारे में है। एक तालाब में चुलबुली बूंद अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके दूसरे भाई बहन भी साथ साथ हिल मिलकर वही रहते थे। आप लोगों को पता होगा कि चुलबुली बूंद, ये जो चित्र है यहाँ है, माता पिता के साथ रहती थी, उसके दूसरे भाई बहन भी उसके साथ साथ हिल मिलकर वही रहते थे। एक दिन सूरज तेज चमका। हम लोग को पता है सूरज का जो रोशनी है बहुत तेज होता है। एक दो तीन चार बहुत सारी बूंदें भाव बनकर आसमान की ओर उड़ चली। और उन लोगों भाव बनकर कहाँ चला? सब आसमान में उड़ चला। उड़ते ऊपर जाते वे सब हंसती रही, खिलखिलाती रही, सब एक दूसरे से मिल गए। और ऊपर जाने के समय सभी बहुत मजा हो ले रहे थे, हंसते खिलखिलाते रहे और एक सब एक दूसरे से एक साथ मिल गए। अब वे अलग अलग नहीं थे और वो लोग अभी और अलग अलग नहीं थी। काले काले बादलों के साथ बहकर वे सब इधर से उधर घूमती रही, दौड़ती रही। और वो लोग काले काले जो बादल है उसके साथ सभी एक साथ हो गए और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमती रही, दौड़ती रही। आप लोगों को पता होगा कि आसमान में बादल कैसे यहाँ से वहाँ जाता है, ठीक ऐसे। नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और बादल होने से नीचे में ठंडा ठंडा हवा भी आता है, ऐसी ठंडा ठंडा हवा बह रही थी। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे। मेघा और उसके साथ साथ जो छोटे 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 बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं हवा में झूम रहे थे, ठीक है। मेघा बरसो कहकर नन्ही नन्ही बच्चे शोर मचा रहे थे। और बच्चे क्या कर रहे थे? उस मेघ को देख के चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रहा था कि मेघा बरसो, मेघा बरसो। खुश होकर पानी से भरी दो तीन चार बूंदे बच्चों के पास जा टपकी। तो उसके साथ साथ दो तीन चार बूंदे बच्चों का पास टपकी। पाँच छ सात आठ, अब तो बूंदे बरसने लगी। टिप 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 टिप, बूंद खूब बूंदे बरसी। और जो बारिश जब ज़्यादा होने लगे तो भी टिप टिप पानी और जोर होने लगे और बूंदे भी खूब बरसी। चुलबुली बूंद उसी तालाब में आ गिरी और चुलबुली जो बूंद था उसी तालाब में आ गिरा अपने मम्मी पापा के पास। आप लोग चित्र देख रहे होंगे, अपने मम्मा पापी पापा मम्मी और जो पापा है उसके पास ही आ गिरा। वह बोली, मैं कहीं भी जाऊंगी माँ पापा, पर लौट कर आपके पास ही आऊंगी। और क्या बोल रहा है? जब मैं कहीं भी जाऊं घूम के तो आप ही के पास, आप ही लोगों के पास आना है। बरसात के बाद धूप निकल आई। आप लोगों को पता होगा कि बरसात के बाद धूप आता है। शतरंगी इंद्रधनुष निकल गया था सात सात रंगों का। आप लोग देख रहे होंगे
साथ-साथ कलर जो रंग है बैगनी नीला आसमानी हरा पीला संतरी और गहरा लाल लाल, इसको आप लोगों को याद रखना है। संतरी का लाल जो रंग है सतरंगी जो रंग है उसको आप लोग याद रखिए। देखिए शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ में दिया है मेघा का अर्थ है बादल, शतरंगी सात रंगों रंगों वाला, इसको भी ध्यानपूर्वक आप लोगों को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को रिवीजन मैं करा रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक ये जो अध्याय है इसको अच्छे से फिर एक बार पढ़िए घर में। बहुत सुंदर छोटा सा कहानी है चुलबुली बूंद, ठीक है।